आज अपन डिश वॉश बनाना सीखेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये कॉस्टिक सोडा का लाई है, ये वाटर है, ये ऐसा स्लरी है, ये ऐसा लेस है, ये लाइम परफ्यूम है, ये वाटर बेस कलर है लेमन कलर। अभी अपन लेंगे वाटर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। अपन थोड़े वाटर लिया अंदर, इसके बाद ऐसे स्लरी लेंगे, इसको सही तरीके से मिलाना पड़ेगा। बराबर से मिक्स होना चाहिए। इंग्रेडिएंट बराबर से मिक्स होएगा अपना डिश वॉश अच्छा बनेगा। अपन थोड़ा और वाटर लेंगे, उसमें कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे। इसका पीएच लेवल लाना बहुत जरूरी है। अभी अपने कॉस्टिक सोडा अपन ऐड करते जाएंगे। थोड़ा कॉस्टिक सोडा और लेके अपना पीएच, अभी इसमें अपन पीएच पेपर लेके इसमें पीएच चेक करेंगे। पीएच 6 से 7 तक आना चाहिए। ये पीएच ज़्यादा आ चुका है। अब उसमें धीरे धीरे भी ऐसे स्लरी अपन डालेंगे। पीएच लाने के लिए ऐसे स्लरी का यूज़ करना। अभी अपन इसको मिक्स करेंगे। ये पीएच आ गया है। धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। सॉल्ट डालने को और थिकनेस मिलते जाएगा उसमें।
इसमें क्लियरिटी अपने आप आएगा। अभी बबल्स है, उसको बैठने के बाद 6 घंटे के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी अपन इसमें कलर ऐड करेंगे, लेमन कलर। कलर अपन ऐड करने के बाद अपन परफ्यूम ऐड करेंगे। ये परफ्यूम है, इसमें हल्का सा अपन परफ्यूम डालेंगे। हल्का सा परफ्यूम ऐड करेंगे। उसको सही से मिक्स करना पड़ेगा, बेहतरीन क्वालिटी मिलेगा इसमें। इतना गाढ़ा है तो सही से मिक्स कर अपने आप क्लियर हो जाएगा वो। देखिए अभी ये ट्रांसपेरेंट एकदम हो चुका है, विम जेल जैसा सेम टू सेम बना हुआ है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।